ओके, तो जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तो आज भाई हम लोग जा रहे हैं लाल बाग, और जैसे आपको पता है कि आज पहला आगमन होने वाला है अपने मुंबई में, तो उसके लिए जा रहे हैं। और जाने का रीज़न भी है भाई, बहुत ज़्यादा चुनौती चल रही है अपने लाइफ में, तो जाएंगे, पापा से मिलेंगे, पापा को बोलेंगे हमारी पनौती आप ले लो और हमको आपके आशीर्वाद दे दो। तो मेरे साथ दो नमूने भी है, जो एक ये और एक ये, जिनको देख के आप पहले से बहुत बोर हो चुके हैं। उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि आगमन कैसे होने वाला है। तो लेट्स जस्ट क्रॉस इट नाउ और आगे मिलता हूँ आपसे। सो वॉज जोकिंग, बट आगमन ही कवर करने जा रहे हैं भाई, एक्चुअल रीज़न तो वही है। बट हाँ, पनौती भी चल रही है लाइफ में, तो जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पनौती चल रही है भाई, और देखेंगे आज आगमन है। अभी पहले से लेट हो चुके हैं हम लोग, 11 बजे जाना था, अभी बज रहे 12, एक घंटा पूरा लेट है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल G6 Wanderer, और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन 3, 2, 1, लेट्स गो। पनौती अपने लाइफ में एकदम मैक्स चल रही है भाई। सबसे पहले तो ख़राब हो गया ब्लू आर्मर, उसको अभी दिया है रिपेयरिंग करे, तो वो देखेगा, वो जब रिटर्न आएगा तो पता चलेगा। फिर ये जो अपना मीडियम और था वो भी ख़राब हो गया था, बट हो गया भाई अच्छे से ठीक, और अभी तो चल रहा है, होप सो। और सबसे बड़ी पनौती वो लगी है कि PC ख़राब हो गया। ये PC का क्या गया? हाँ, तो PC का जो ग्राफिक कार्ड है ना, वही पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। सो अभी उसमें तो भाई बड़ा खर्चा आने वाला है, 40 to 50,000 मिनिमम पकड़ के चलो ही। सो आजकल लाइफ में जो पनौती है वो एकदम मैक्स हो गई है। लास्ट टाइम जो वंडर सेंट के मीटअप पे गया था, वो टाइम पे भी जो शूट किया वो भी पूरा ऑडियो लेस है, तो वो अभी मैं पोस्ट ही नहीं कर सकता। पास यही बोलेंगे कि भाई हमारी पनौती आप ही ले लो, और आपको हमें आशीर्वाद देने वो दे दो ताकि अच्छे से चले। और आप लोगों ने बहुत अच्छा, ट्रेन भी आ गई भाई, और आप लोगों ने बहुत अच्छा, जो लास्ट टाइम अपना जो कोंकण सीरीज़ है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा, तो ऐसे सपोर्ट इसको भी दिखाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो अभी एक काम करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा आपको मिलता हूँ मैं लोअर पर। फोन शुभम दे रहे हैं ना थोड़ा बहुत? आज इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो आज इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? इन दोनों में से कोई एक देने वाला है, बहुत गर्मी है तो 5 रुपए तो है ना ग्लास पकते। सो ओके, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, बिकॉज यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। और लालबाग के दिन, सॉरी गणपति के दिन, लालबाग का मैं आपको दिखाता हूँ भाई, सब ऐसे रहते हैं, फुल जैम। ये देखो, एवरीथिंग इज जैम्ड। और अभी पापा आ रहे, वहाँ पे थोड़ी सी झलक दिख रही है, सब पास में आएंगे तब मैं आपको पूरी तरीके से दिखा पाऊंगा, बट ट्रैफिक तो मैक्स है ब्रो। ओके, सो खुशियों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं पब्लिक? और सब लोग अभी से लेके एक महीने तक और उसके आगे थोड़े दिन तक यही खुशियाँ बरकरार रहने वाली है, बिकॉज पापा आ रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, क्या ही मतलब, गूज़बम्स गाइस। This is the sound of happiness, और आप देख सकते हो भाई ढोल की गड़गड़ाहट से बाप्पा का आगमन हो रहा है भाई, खुशियां ही खुशियां है चारों साइड मेरे। सुंदर मूर्ति, और यहाँ पे सेलिब्रेशन,
ब्यूटीफुल, इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है कि आपको शायद कैमरा में वो समझ नहीं आ रहा होगा, पर बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। पहला दर्शन बापा का ये साल का। ओके, सो गर्दी तो आपने देख ली भाई कितनी ज़्यादा थी, और अभी हम लोग बापा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे काला चौकी का अपना जो बापा है वो, और जो अभी पीछे गया था वो, एक सेकेंड मैं वो नाम भूल रहा हूँ तो मैं यहाँ से ही आपको बताता हूँ क्या था नाव, नाव का होता खेतवाड़ी सा मोरिया, खेतवाड़ी सा मोरिया यानी कि 75वां अमृत महोत्सव है। ओके, सो 75 अमृत महोत्सव, मतलब 75 ईयर्स उनको अभी होंगे ये साल कंप्लीट। सो उसके लिए पूरा वो जो आप देख रहे सेलिब्रेशन पीछे था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई ये साल का पहला सेलिब्रेशन, और फर्स्ट टाइम गूज़बम्स आ गए भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस आ गई है मुंबई में। भाई हॉस्पिटल का नाम देखो, मारू, ये कैसा अजीब नाम रहता है भाई, मारू मतलब मारो। ओके गाइस, क्राउड देखो क्राउड, भाई बापा अभी तक बहुत दूर है, और क्राउड देख लो, क्राउड देखो, बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, देखो भाई क्राउड देखो भाई, बाप्पा बोलते गणपति बाप्पा मोरिया। हेलो हेलो, ओके, सो फाइनली गाइस काला चौकी का बाप्पा इज हियर, और आप देख सकते हो भाई क्या ही सुंदर मूर्ति है और बहुत ज़्यादा बड़ी। ओहो भाई साहब क्या लग रही है, एक नंबर भाई। और क्राउड देख लो भाई, अभी पालकी यहाँ पे आई है, आप देख सकते हो पालकी, देखो जहाँ पे मोर पीस है वहाँ पे। सो अभी सब रीति रिवाज रहते हैं बहुत सारे, वो सब पूरे किए जाएंगे यहाँ से लेके आगे वाले सिग्नल तक। बट भाई क्या ही फ्रेम है यार। ओके, सो अभी पालकी का जो रिवाज है, पालकी नचाई जाएगी तो वो ही चल रहा है, और आप देख सकते हो पालकी वाले आर रेडी, और ये 1 2 3 गो।
तुला तुझ्या इच्छुकातलं बोलायचं आहे तर बोलू शकतोस, तुझ्या घरातल्या त्यांना काय बोलायचं आहे? अरे बोल विंदल. फाइनली बहुत मशक्कत के बाद क्या बोल दो ये बहुत ज़्यादा वन साइड था, फीलिंग वन साइड है, गर्दी एक नंबर, मतलब पागल हो जाओगे आप भाई. अभी हम लोग आए हैं मार्टन मिसल, बिकॉज लगी है ज़्यादा और सोच रहे कि भाई यहाँ पे आ ही गए तो कुछ मिसल ही खा के जाते हैं, सो इसलिए अभी आए हैं हम लोग मार्टन मिसल और देखते हैं. अभी दो ऑर्डर किया है, दो स्पेशल मिसल और एक शादी मिसल, शादी मिसल ये खाना और ये अपने दोस्त हैं भाई भाई और ये अपने नए दोस्त हैं. सो फाइनली गाइस अपनी जो थाली आ गई है ये है मिसल और ये बाकी सब जो मिलता है. सो ये स्पेशल थाली, सो अभी इसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद आपको मिलता हूँ, चाहे इसके बाद ब्लॉग एंड ही करूँगा तो देखता हूँ खाने का मिलता है. ओके सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज, आई होप आपको ये जो व्लॉग था आज का आगमन वाला, फर्स्ट आगमन का व्लॉग गणपति जी का मुंबई में, जो आपको अच्छा लगा होगा. और ऐसे बहुत सारे आगमन होने वाले हैं तो हम लोग वो भी शूट करेंगे अगर हमको चांस मिला, मतलब जैसे आज संडे था तो हम टाइम था तो हम लोग गए थे. तो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं, बट मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको बस एक बटन प्रेस करना है, सो वो ज़रूर करना. और मिलेंगे फिर ऐसे किसी ब्लॉग में, देखेंगे भाई जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी. पीसी का भी करना है तो अभी मेरे को वो भी करना है. सो लेट्स सी, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो. गणपति बप्पा मोरिया एंड बाय बाय.